में आपको दिखाया गया ऐसी एक नाव जो आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए हमको एक चौरस आकार के कागज की जरूरत है। तो उसके लिए ये ऐसे सारे कोनों को मिला के एक त्रिकोण बनाना है और उसको ऐसे दबा देना है और उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको काट देना है। ऐसे स्केल को ऐसे नीचे ऐसे दबा के ऐसे काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। अब ये हमको एक मिल गया एक चौरस आकार का एक कागज और अब इसको आधा करेंगे ऐसे। आधा किया इसको ऐसे सारे कोनों को बराबर देख लेने का, बन गए अच्छे से। और अब ऐसे सारे कोनों को मिला के आधा कर दिए ऐसे। हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ऐसे एक कागज लेने का चौरस आकार का और उसकी ऐसे आधा करने का और ऐसे आधा करने का, बराबर ये कोनों को मिला लेने का। अब ऐसा हो गया। अब ये 1, 2, 3 और 4 ये चार पार्ट है तो उसमें से एक पार्ट को ऐसे करने का और बाकी के जो तीन पार्ट्स है उसको इधर ऐसे त्रिकोण बना देने का बराबर कोनों को मिला के। अब ये बन गया। अब इसको अंदर से ऐसे खोलने का और इस आकार का एक डायमंड शेप का बना देने का। ये एक डायमंड शेप बन गया। अब ये इधर से ऐसे खोलने का, ऐसे बराबर खुलना चाहिए उसका ध्यान रखने का। और फिर ऐसे इधर दबा देने का। इससे आपकी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी नाव बन गई जिसको आप तैरा सकते हैं और ऐसे ही घर में अच्छा दिखे वैसे रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे दूसरे वीडियोस जो अपलोड करूँगा वो देख सकेगा। थैंक यू। उसके लिए ऐसी और भी नाव और दूसरे कागज़ की चीज़ों के बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।